प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में व्रत और उपवास का बहुत अधिक महत्व है। हम में से सभी ने कभी न कभी व्रत जरूर रखा है। हिंदू धर्म में विभिन्न त्योहारों, व्रतों और शरीर की शुद्धि के लिए उपवास रखा जाता है। उपवास का अर्थ होता है अपनी आत्मा के निकट निवास करना, यानी उपवास के दौरान हम अपनी मन की शक्ति के बेहद करीब होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ग्रीष्मा और आपका स्वागत है हिडन फैक्ट्स विद ग्रीष्मा में। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि मनुष्य का पहला सुख निरोगी काया है, यानी हम किसी भी सुख का आनंद तभी उठा सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। व्रत रखना सिर्फ धार्मिक बात ही नहीं, बल्कि इसके कई तरह के स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। हमारे समाज में हर धर्म के लोग किसी न किसी रूप में व्रत या उपवास अवश्य रखते हैं, लेकिन व्रत यानी कुछ घंटों तक भूखे रहने के नियम में आखिर ऐसा क्या है जो यह दवा की तरह काम करता है? तो आइए जानते हैं व्रत के इस विज्ञान को और इससे होने वाले फायदे को। शरीर के सिस्टम के लिए बेहतर। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम लगातार भोजन पचाने का कार्य करता रहता है, लेकिन जब हम व्रत करते हैं तो इसे थोड़ा आराम मिल जाता है। और व्रत के दौरान जब हमारा पेट खाली होता है तो यही सिस्टम हमारे शरीर के कमजोर कोशिकाओं की मरम्मत करने में जुट जाता है और बॉडी के सिस्टम को ठीक करने में लग जाता है। माना जाता है कि इस दौरान बीमारियों से लड़ने वाले सेल्स इतने सक्रिय और इतने ताकतवर हो जाते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियों के सेल्स को खत्म करना शुरू कर देते हैं। इससे हमारे शरीर की शुद्धिकरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। ज्यादातर बीमारियों का मूल कारण हमारे शरीर के अंदर विषैले तत्वों का जमा होना होता है। कई बार हम बाहर का या ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें खा लेते हैं, जिससे हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक जमा होने लगते हैं, जिससे हमारा बॉडी सिस्टम गड़बड़ होने लगता है। ऐसे सिचुएशन में अगर हम व्रत करते हैं तो हमारा बॉडी सिस्टम हमारे शरीर के अंदर से विषैले तत्वों को निकाल कर हमारे शरीर की सफाई करता है। व्रत करने से वजन कम करने में मदद मिलती है। मोटापा कई सारे शारीरिक समस्याओं की जड़ होता है। ऐसे में अगर आप उपवास करें या व्रत रखें तो इससे वेट लॉस होने में मदद मिलती है। और जैसे जैसे मोटापे की समस्या होती है, वैसे वैसे अन्य शारीरिक परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं, जिनमें से एक है हाई ब्लड प्रेशर। ऐसे में उपवास हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बहुत हद तक निजात दिला सकता है। व्रत हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। व्रत करने का असर सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इससे एकाग्रता आती है। पुराने समय में उपवास से कई तरह की बीमारियों को ठीक किया जाता था। उपवास करने से बीमारियां तो कम होती ही हैं, साथ में उनसे लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। व्रत हमारे पाचन को ठीक करने में भी बहुत मददगार होता है। बहुत से लोग जो भोजन सही से ना पचने की समस्या से परेशान रहते हैं, ऐसे में उपवास में जो हमारा बॉडी सिस्टम होता है वो शरीर की कई तरह की परेशानियों से खुद ही लड़ने लगता है। एक शोध में यह पाया गया कि लगभग 60% लोगों को उपवास के दौरान अपच की समस्या नहीं हुई और लगभग 30% लोगों की डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक हो गई। इसके अलावा व्रत करने से उम्र थामी जा सकती है, यानी आप लंबे समय तक युवा बने रह सकते हैं। उपवास कई तरह के होते हैं, जैसे जूस का उपवास। इसमें लोग सिर्फ जूस का ही सेवन करते हैं। पानी का उपवास, जिसमें लोग सिर्फ पानी ही पीते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी एक खास अंतराल के बाद किया जाने वाला व्रत। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैं अपने आगे के वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगी। फिलहाल हम ये जानते हैं कि व्रत के दौरान क्या खाया जाए। उपवास के दौरान आप फल, दूध, फलों के रस, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि ले सकते हैं। यह एक विकल्प के तौर पर है। आप अपने उपवास के अनुसार इन्हें बदल भी सकते हैं, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि व्रत के दौरान आप उन्हीं चीजों का सेवन करें जिससे आपके बॉडी को प्रॉपर एनर्जी भी मिलती रहे और आपके व्रत का पालन भी हो जाए। लेकिन अगर उपवास के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो यह हमें फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो कौन से हैं वो नुकसान? जैसे पानी की कमी। व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए ये जरूरी है कि व्रत के दौरान आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें। अगर आप निर्जला उपवास कर रहे हैं तो व्रत के ठीक पहले हाइड्रेट रहें, नहीं तो व्रत के दौरान डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। शरीर में ऊर्जा की कमी।
व्रत करने से हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिस कारण जी मिचलाने, चक्कर आने या फिर कमजोरी जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपके शरीर में पहले से ही खून की कमी हो या फिर आप बेहद कमजोर हो तो ऐसे में उपवास ना करने की सलाह दी जाती है, नहीं तो ऐसे में उपवास करने के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। एसिडिटी या सीने में जलन की समस्या, उपवास के दौरान एसिडिटी की समस्या हो जाती है, ऐसे में हल्का खाना खाएं और पानी भरपूर पिएं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना, व्रत के दौरान कुछ ना खाने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, ऐसे में व्रत के दौरान भरपूर पानी पिएं और फाइबर युक्त आहार लें। सिर दर्द की समस्या, व्रत के दौरान ज्यादा देर तक भूखे रहने से या पानी नहीं पीने से या किसी भी पेय पदार्थ का सेवन नहीं करने से सिर दर्द की समस्या हो जाती है, इसीलिए व्रत के दौरान अगर आप निर्जला उपवास नहीं कर रहे हैं तो पानी भरपूर पिएं। ओवर ईटिंग करना, उपवास खत्म होने के तुरंत बाद भारी या ज्यादा खाने से बचें, ओवर ईटिंग करने से बचें और संतुलित और पौष्टिक आहार लें। इसके अलावा व्रत के दौरान कठिन व्यायाम करने से बचें, क्योंकि इससे थकावट और कमजोरी हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो व्रत शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क अवश्य कर लें। तो बॉटम लाइन यही है दोस्तों कि व्रत हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। व्रत करने से हमारे तन के साथ साथ हमारे मन की भी शुद्धि हो जाती है, लेकिन व्रत करने के दौरान उपरोक्त कही गई बातों का खास ध्यान रखें, नहीं तो व्रत के फायदे के जगह नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। हाइड्रेट रहें, संतुलित और पौष्टिक आहार लें और अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं या फिर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो व्रत करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपने और अपनों की सेहत का भरपूर ध्यान रखें। मिलती हूँ आपसे इसी उम्मीद के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।